आपको बताते चलें कि मारूफ टीवी मेजबान और रुकन कौमी असेंबली आमिर लियाकत की वफात के बाद सोशल मीडिया पर इनकी तीसरी अहलिया दानिया मलक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन आमिर लियाकत की मौत का सबब दानिया को करार दे रहे हैं। सार्फिन के मुताबिक दानिया ने आमिर लियाकत की ज़हनी हालत खराब की, इसलिए वही उनकी मौत के सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। ताहम अब दानिया शाह की हमायत में अदाकारा अरमीना राणा खान और यशमा गिल सामने आई हैं। अदाकारा अरमीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर लिखा था कि मानो या ना मानो दानिया ने आमिर लियाकत को खा लिया है। उस पर अदाकारा ने गुस्से का इजहार करते हुए पोस्ट पर तबसरा किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या अब आप एक कम उम्र लड़की को इस तरह परेशान करेंगे, क्या अब तक आपने आमिर लियाकत की मौत से कुछ नहीं सीखा। दूसरी जानिब यशमा गिल ने कहा है कि दानिया शाह को छोड़ दें, एक जिंदगी पहले ही जा चुकी है, अब दूसरी जिंदगी खोने का खतरा मोल ना लें, अल्लाह ताला को हिसाब कर लेने दें। अदाकारा ने मजीद देखा कि हो सकता है कि इसने बुरे काम किए हों या ना किए हों, लेकिन हम कौन होते हैं कि फैसला करके नफरत अंगेज अल्फाज कहने लग जाएं। वाजह रहे कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया ने इनके खिलाफ तंसीख निकाह का केस दायर कर रखा है। आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया ने बताया कि आमिर लियाकत ने अपनी जिंदगी में सुलह का पैगाम भेजा था। मजीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई खबर आती है तो हम आपको गाय बगाए आगा करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाजोक इंटरटेनमेंट।